अशोक लीलैंड पेश करते हैं VSX लाइट कमर्शियल वाहन दोस्त स्ट्रॉन्ग 1250 दोस्त प्लस 1500 पेलोड के साथ सर्वश्रेष्ठ माइलेज। हमारा पता है अवतार ऑटो मोबाइल बहेरिया चौराहा सागर। अच्छा पड़ेगा कि बुरा पड़ेगा? अच्छा। कितनी जमीन है आपकी? 2 एकड़ सर। एमपी के सागर जिले के किसान से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल संवाद किया था। इसके साथ ही स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कुछ किसानों का मंच से सम्मान किया गया था। प्रतीकात्मक 2000 रुपए की राशि के चेक दिए गए थे। अब किसान सम्मान निधि को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी का आरोप है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत जो राहत गरीबों को पहुंचाई जानी थी वह राहत व्यापारियों को पहुंचाई गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने रजाखेड़ी के जिस महेश सोनी से वर्चुअल संवाद किया उसकी ज्वेलर्स की दुकान है और डिसमलों में उसकी जमीन है। कांग्रेस ने इसे किसानों का अपमान और उनके साथ धोखा होना बताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ धोखा और फरार करने से बाज नहीं आ रही है। आज का यह वर्चुअल कार्यक्रम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से राहत किसानों के नाम पर पहुंचाई जाना थी, जो कि नहीं पहुंचाई जाकर व्यापारियों के नाम पर पहुंचाई गई है, जिसका सीधा सा प्रमाण महेश सोनी, जिसकी सागर जिले में आज संवाद शिवराज सिंह जी द्वारा किया गया है, वह ज्वेलर्स की दुकान खोले हुए है, उसके नाम से डिसमलों में जमीन है, इसी तरीके से गमरिया के रानू खान के पास स्क्वायर फुट में जमीन है, इसी तरीके से उत्तम पटेल के नाम पर सेमराबाग में भी डिसमलों में जमीन है। ये कोई बड़े काश्तकार रहे नहीं है, किसानी करते नहीं है, ऐसे लोगों के नाम पर किसान कल्याण की राहत राशि का वितरण कर दिया गया है, जो किसानों का अपमान है। भोले भाले किसान, जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ से वंचित हो रहे हैं, जिसका कि हम मांग करते हैं कि इस समूचे वितरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी इसमें दोषी है उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं इसको लेकर नरियावली से भाजपा विधायक प्रदीप लारिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को जब जनहित में कोई विषय आता है तब उनको पीड़ा होती है। अब किसानों को यदि सम्मान निधि में पैसा मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। महेश सोनी के संवाद को लेकर बोले कि यह आंख के अंधे हैं, यह रजाखेड़ी में जाकर देखें, वहां पर उनकी जमीन है। किसान केवल कृषि पर आधारित थोड़ी रहेगा, यदि वह अन्य व्यवसाय करता है तो वह स्वतंत्र है। देखिए, कांग्रेस और उनके नेता, और चाहे वो सुरेंद्र चौधरी हो या कोई हो, जब जब जनहित में कोई विषय आता है अब इनको पीड़ा होती है। अब किसानों को यदि सम्मान निधि मिल रही है, यदि पैसा मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इन्हें तो कभी किसान को एक ढेला नहीं दिया। ये तो किसानों को बहलाते हैं, झूठे वादे करते हैं, कर्ज माफी की बात करते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करते। अब यूरिया के लिए कमलनाथ की सरकार में एक एक दाना के लिए किसान तरसा, उस समय इनने बात नहीं की। लेकिन बड़ी विडंबना है, जब नरियावली विधानसभा क्षेत्र के कृषकों को, किसानों को या किसी को लाभ होता है तो इनको पीड़ा होती है, और ये बरहमे नकारात्मक राजनीति करते हैं। इनने कभी सकारात्मक राजनीति नहीं की है, और उसी का परिणाम है कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने तीन बार इनको हराने का काम किया, उनको रिजेक्ट किया। तो इनको समझ लेना चाहिए कि, और उसका पीछे कारण केवल इतना ही है, इनकी नकारात्मक राजनीति सर किसान और नरियावली में उनकी चलने वाली नहीं है, लोग जनता उनको समझती है। अभी 15 महीना में भी इनने जिस तरह से काम किया है सब लोग जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको समझती है, और उनका केवल बयान और इस तरह की बातें करके ही लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के 5 लाख किसानों को 100 करोड़ रुपए की राशि मिली है, और ये आंख के अंधे हैं, रजाखेड़ी में जाके देखें कि वहां पर उनकी जमीन है। हमारे विजय पटेल जी, उनके पास में उनकी जमीन है,
और किसान केवल अकेले कृषि पर आधारित थोड़ी रहेगा। यदि कोई अन्य व्यवसाय करता है तो सब स्वतंत्र है उसके लिए। लेकिन मैं समझता हूं ये किसानों को भ्रमित करने के लिए और ये नई भ्रम जाल फैलाल है, क्योंकि इनके कृत्य को सब लोग जानते हैं। वहीं इस संबंध में मुख्यमंत्री से संवाद करने वाले महेश के बड़े भाई दिनेश सोनी ने बताया कि यह दुकान मेरे नाम पर है और जो 80 डिसमल जमीन है वह मेरे छोटे भाई महेश के नाम पर है। वह अपना खेती का काम अलग करता है और मैं अपनी दुकान का काम अलग करता हूँ। भाई होने के नाते वह आता जाता रहता है। कुमार सोनी मंजू ज्वेलर्स मेरी दुकान है, मेरा छोटा भाई है उसका अलग काम है। महेश कुमार जो सोनी है वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मैं दुकान चलाता हूँ, दुकान मेरे नाम पे है। जो खेत है उसके महेश सोनी के नाम पे है, वो अपना काम करता है, अपना परिवार चलाता है, मैं अपना चलाता हूँ। भाई के नाते वो आता जाता सब कहीं है, तो भाई है भाई। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि जब मुख्यमंत्री ने किसान महेश सोनी से बात की थी उसमें उन्होंने सीएम शिवराज को अपनी 2 एकड़ जमीन होना बताया था, लेकिन उनके भाई ने महेश की जमीन 80 डिसमल होना बताया, जिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि महेश ने आखिर मुख्यमंत्री से जमीन को लेकर झूठ क्यों बोला। कितनी जमीन है? जमीन समथिंग 80 डिसमल है। दरअसल 3 दिसंबर को सागर के स्वर्ण जयंती सभागार में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह थे। इस आयोजन में सागर जिले के 2,76,000 किसानों को सम्मान निधि भेजी गई। इसी कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने नरयावली विधानसभा क्षेत्र के रजाखेड़ी के किसान महेश सोनी से बात की थी। अशोक लेलैंड पेश करते हैं VS6 लाइट कमर्शियल वाहन दोस्त स्ट्रॉन्ग 1250 दोस्त प्लस 1500 पेलोड के साथ। सर्वश्रेष्ठ माइलेज 19.6 किलोमीटर एवं पार्टनर 4.5 टन पेलोड के साथ। सर्वाधिक माइलेज हमारा पता है अवतार ऑटोमोबाइल बहेरिया चौराहा सागर मध्य प्रदेश। हमारा मोबाइल नंबर है 8458810971 7224993063।